14 देखिए, कह रहा है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड जेड बेस में जीरो है, बी द सेट ऑफ नन जीरो इंटीजर, यानी जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। लेट अ रिलेशन आर ऑन जेड क्रॉस जेड जीरो, यानी कहने का मतलब ये रिलेशन आर किस पे डिफाइन है, जेड क्रॉस जेड जीरो पे। कैसे डिफाइन है, तो यहां देख रहे हैं कि ये ए बी ऑर्डर पेयर रिलेटेड है सी डी के साथ। कैसे, तो देखिए इसके फर्स्ट कंपोनेंट में इसके सेकंड कंपोनेंट से इंटू हो जा रहा है, और वह किसके इक्वल हो रहा है, तो इसके सेकंड कंपोनेंट और इसके फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन आर कैसे है, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर किस तरह से है, ए बी कॉमा सी डी इस तरह से ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, और इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन है ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी, ये सब क्या होंगे, तो ये ए बी सी डी क्या होंगे, आपके किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। ठीक है, लेकिन सी और डी जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो इंटीजर नहीं होगा। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी, ए बी एंड ये सी डी बिलोंग्स करेगा जेड क्रॉस जेड जीरो, तो ये सटीक होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके लिए। तो सबसे हमें क्या प्रूव करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह का एक बना चुके हैं, वहां पे एक्स वाई था यहाँ और यहाँ पे यू और वी था, याद है ना, ऐसा ही क्वेश्चन था, हम लोग बना चुके हैं लेकिन फिर से इसको देख रहे हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू होगा बी ए, ए बी इक्वल टू होगा बी ए, फॉर ऑल ए बी ये किससे बिलोंग करेगा, तो जेड क्रॉस जेड जीरो से। अब देखिए ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर्स के लिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग समझो। अगर आप इसको देखो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ, इसका सेकंड वाला फर्स्ट कंपोनेंट के साथ इनटू किया है, यही ना आएगा, तो इस फॉर्म में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट ए बी सी डी बिलोंग्स करता है आर से, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ए इंटू डी हो जाएगा और इक्वल टू में बी इंटू सी हो जाएगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड जीरो। ठीक है, अब हम इसे चाहें तो इसको डी इंटू ए लिख सकते हैं और इसको सी इंटू बी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ से ए डी इक्वल टू डी ए होगा ना जी, बाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ से, क्लियर है। अब देखो इसके बाद, अब मैं चाहूँ तो सी बी को पहले लिख देता हूँ और डी ए को बाद में, जब कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल ही है ना जी। चलिए तो अब यहाँ पर मैं इसके हिसाब से यहाँ पर कर सकता हूँ सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर, आप देख लो इसके सी इंटू बी होगा और डी इंटू ए होगा, यही ना आएगा, तो जब ये है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो देखिए ए बी सी डी बिलोंग कर आर से और यहाँ सी डी ए बी बिलोंग्स करने जा रहा है आर से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की तो हम लिख लेते हैं लेट, लेट ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल
ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड जीरो। चलिए अब इसका मीनिंग समझो, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, एंड इसका क्या हो जाएगा, सी इंटू एफ इक्वल टू डी इंटू ई। क्लियर है? चलिए तो अब मैं यहां पे कर सकता हूं, ये मैं क्या कर देता हूं, डी को उधर देता हूं, ए को इधर देता हूं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, एंड यहां भी उसी तरह से सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, तो यहां भी सी बाई डी सी बाई डी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए बाई बी इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ इक्वल टू में बी ई। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ई एफ बिलोंग्स टू आर, देख लो ए एफ और बी ई, यही ना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ए बी सी डी बिलोंग्स कर रहा है आर से, सी डी ई एफ कर रहा है, तो ए बी एंड ई एफ भी करना चाहिए, तो ये भी करने लग जा रहा है यहाँ पे। देयरफोर देयरफोर आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन आर क्या है आपका, ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड जीरो। क्लियर है? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन